नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का स्पेशल मैथ एंड रीजनिंग का सेशन। तो आज का आपका सेशन रहेगा मैथ फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2019। तो एडवांस मैथ से हम शुरुआत करेंगे और एडवांस मैथ में आज का टॉपिक रहेगा आपका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से आपके दो या तीन क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल मेंस और प्री दोनों मिला के। थोड़ा मेंस में ज़्यादा आते हैं, थोड़े प्री में दो तीन आते हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मुश्किल से। तो उन क्वेश्चन को बाद में कराएंगे, आज हम त्रिकोणमिति का बेसिक पार्ट कराएंगे कि आखिर में सूत्र ये कैसे बने, साड़ी के मान क्या उस कैसे होते हैं और कैसे हम याद करके उनका यूज़ करते हैं अपने त्रिकोणमिति में, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आगे का जो होगा वो आपको हम लगातार वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, आप उसमें देख लेना। तो आज बताएंगे बेसिक पार्ट ऑफ त्रिकोणमिति। तो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और एक खास सूचना, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम 12 दिसंबर को होने वाला है, 22 दिसंबर को होने वाला है, तो उसकी तैयारी भी हम आपकी ऑनलाइन करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई हो तो आप ज़रूर से शेयर करें, उसको ज़रूर बताएं। तो आज का एडवांस मैथ का पहला टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक पढ़ेंगे। तो बेसिक पढ़ने से आप स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तीन कोणों की माप आप लिखेंगे। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी और त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है ये कहलाती है आपकी कर्ण, इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये आपका होता है कर्ण और जो एंगल होता है थीटा, मान लो ये एंगल आपको निकालना है तो इस थीटा के सामने की भुजा आपकी होती है लंब, जिसे आप कहेंगे परपेंडिकुलर। और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज कॉल्ड आपका बेस यानी आधार। चलिए देखते हैं। तो इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में कह देगा कि बताइए, सॉरी, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा, इस तरह आपको दे देगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने इस मेथड से, द यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करने हैं, दे आर सम ट्रिपलेट्स। तो कुछ ट्रिपलेट्स याद करने हैं, जैसे ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। ये जो ये वाला पार्ट होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो आपकी कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी, और जो दो संख्याएं बचती हैं वो आपकी एक लंब यानी एक लंब होगी और एक आधार होगी, यानी एक बेस और एक आपका परपेंडिकुलर, कोई भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन जो आपका कर्ण होगा वो पाँच ही होगा, 3, 4, 5, 5, 12, 13। आप इस तरह और भी बना सकते हैं, जो 3, 4, 5 है इसमें 2 का गुणा कर दो, 6, 8, 10, ठीक है, 9, 12, 15, इस तरह से और भी लिख सकते हो। और ट्रिपलेट है 5, 12, 13, एक है 9, 40, 41, एक है 8, 15, 17। कुछ ऐसे ट्रिपलेट हैं जिनकी सहायता से आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे हमने देखा ये ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट है ये कह रहा है, अच्छा टेन थीटा बराबर क्या होगा, पहले आप इसको देखें, साइन से स्टार्ट करें, साइन थीटा, साइन कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। आप इस तरह याद करेंगे, या यूपी बोर्ड के हैं, एल ए एल
के ई, यानी लाल बटे कक्का, इस तरह में पढ़ाया जाता ना यूपी बोर्ड में। तो टेन थीटा लंब बटे एल को हम लंब मानेंगे भैया, अपनी भाषा में लिख लिया। ए को आप आधार मानेंगे और के को हम मानते हैं कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार टेन थीटा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये बेसिक पार्ट है। आप लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर बेस, एंड ये परपेंडिकुलर, ये भी हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और ये आपका आ जाएगा बेस। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक आज जानकारी हो आपकी, शून्य से शिखर तक, यानी बिल्कुल शुरुआत से इसको करेंगे। और भी इसकी ट्रिक है कि थीटा की वैल्यू रखने पर क्वेश्चन से करेंगे, आप पहले इसको देखें। ठीक है भाइयों, आप देखेंगे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर आपने देखा लंब बटे आधार है, यानी लंब बटे आधार का मतलब ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका है तीन, हाइपोटेनस है आपका चार, तो आपका अभी देखो ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं छोड़ी बीस, सॉरी बीस, तो ये कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो तीन बटे पाँच हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी चार बटे पाँच, लेकिन इसका स्क्वायर है। और कॉट थीटा की जैसे वैल्यू आप करेंगे तो कॉट थीटा बराबर आपका आता है आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब, तो ये आ जाएगा चार बटे तीन। इसे आप सॉल्व करोगे तो तीन बटे पाँच, सोलह बटे पच्चीस, एंड दैट इज चार बटे तीन। आगे आप सॉल्व कर लोगे, हमने केवल आपको ये बताया है हाउ टू यूज दस फंक्शंस इन द क्वेश्चंस, इस फार्मूला को, इस प्रॉपर्टी को कैसे आप उसमें यूज करोगे। तो ये त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक था। अब कुछ बेसिक में आपको आगे थोड़ा लेके चलते हैं कि और कैसे आप सॉल्व करते हैं इस त्रिकोणमिति को। चलिए बेसिक में आपने आपने ये जान लिया कि पाइथागोरस के थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर को किस तरह हम ज्ञात करते हैं। चलो अब आगे यूज करते हैं आपका कुछ फार्मूलाज, जैसे कहा जाता है ये, इसको कहते हैं हम आप चतुर्थांश। ठीक है, इसका यूज करने के लिए जैसे आपसे आ जाता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, हाउ टू चेंज दिस, तो उनको कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर होता है हमारा 0 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम रखते हैं 90 डिग्री, ये एंगल 90 और ये भी 90, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये 90 90 90, 270 डिग्री एंड दैट इज 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपके ये थोड़ा अब हम देखते हैं कि कैसे आपके चेंज हो जाते हैं। आप ऐसे याद करेंगे ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, शायद दिखाई दे रहा है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब देखेंगे, सॉरी नहीं दिखाई दे रहा ऑल पॉजिटिव, थोड़ा दोबारा लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे उसमें दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट। तो ए का ये देखो, ए का मतलब हो जाएगा ए एस टी सी, ए का मतलब हो जाएगा आपका ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव यानी जितनी भी त्रिकोणमिति फंक्शंस हैं सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने का मतलब ऑल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट एंड सेक, इन सबकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी होगी पॉजिटिव। एस का मतलब साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी पॉजिटिव इसमें होगी। टेन का मतलब हो गया, टी का मतलब हो गया टेन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी होगी पॉजिटिव, रिमेनिंग सब नेगेटिव होंगे। इसमें देखो कॉस थीटा एंड टेन थीटा, सॉरी कॉस थीटा और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाद बाकी जो वैल्यूज होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। चेंज कैसे करोगे, अभी बता रहे ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड दैट इज 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस इधर जाएंगे, जब हम पीछे की तरफ चलेंगे तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा रहे तो 90 माइनस थीटा, अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा होगा।
चलो इसमें गए फर्स्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा, और इस क्वाड्रेंट में गई तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे इसमें जाएंगे 180 माइनस थीटा एंड दिस इन दिस 180 प्लस थीटा हो जाएगा। ऐसे आप इधर जाओगे 270 माइनस थीटा और ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखेंगे, इससे हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा या केवल माइनस थीटा। क्यों जीरो माइनस थीटा कर दिया माइनस थीटा? या इसमें जाएंगे 360 प्लस थीटा ऑब्लिक प्लस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने आपको बताया है कि कैसे फर्स्ट सेकंड से क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। अभी ये बताया, अब हम बताएंगे कि साइन कॉस टेन की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में किस तरह परिवर्तित होती है। तो चलो आप देखते हैं, ये है 90 थीटा। जब भी आपका 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, शायद यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई दे रहा है स्पष्ट या नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। जब भी आपकी 90 थीटा एंड 270 माइनस थीटा होगी, एक सेकंड आप वेट कर सकते हैं मेरा, ये लो। चलो अब पता है, जैसे ही होगा आपका 90 माइनस थीटा, इधर देख सकते हैं थोड़ा इधर साइड चलते हैं, ये लो ये आ जाएगा। जैसे ही आपका 90 एंड 270 डिग्री पे होगा तो आपके साइन कॉस टेंस कॉट आपस में इंटरचेंज होते, ऐसे इंटरचेंज हो जाते, साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, और कॉस किस में साइन, टेन आपका कन्वर्ट इनटू कॉट एंड कॉट कन्वर्टेड इनटू टेन, ऐसे ही सेक कन्वर्टेड इनटू कॉसेक एंड कॉसेक कन्वर्टेड इनटू सेक में। कब दोस्तों? जब 90 और 270 डिग्री होगा तब। ठीक है, इसके अलावा नहीं चेंज होगी। इसके अलावा इन 180 अंश और 360 अंश या प्लस थीटा या माइनस थीटा पर चेंज नहीं होंगे। चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। तो जैसे हम लिखते हैं एक साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तीसरा लिखते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। साइन 270 डिग्री लिखा है, अगर हमारा नहीं लिखा तो आप समझ लो इसमें डिग्री लिखा है। 270 प्लस थीटा आपका आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 180 प्लस थीटा, इसके बाद टेन 180 माइनस थीटा एंड टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। आप चेंज करके दिखा रहे हैं आपको, चलिए कुछ चेंज कर रहे हैं, बाद बाकी आप चेंज कर लेना, और शायद इसकी टेबल हम आपको बता भी सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ तो आपने सुनी होगी तो उस तरह सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का। ठीक है, तो देखिए आप, आपको क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, पहले देखा अच्छा 90 डिग्री तो वैल्यू चेंज होगी, कैसे चेंज होगी इधर लिख दें, दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि साइन किस में चेंज हो जाता है आपका, साइन चेंज होता है भैया कॉस में, और कॉस किस में साइन में, तो 90 पर तो चेंज होगा, लेकिन जैसे हमने देखा अच्छा साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में चेंज होगा, और थीटा की जगह थीटा, ये 90 तो गायब हो गया। अब ये देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द वैल्यू इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी मान मित्रों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक साइन 90 प्लस थीटा, जैसे 90 प्लस थीटा देखा अच्छा 90 है, अच्छा चेंज तो होगा, कैसे साइन किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखा 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो जब वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका जो रियल मान पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कहने का मतलब साइन पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। चलिए साइन 270 माइनस थीटा, देखा अच्छा 270 पर वैल्यू चेंज हो रही है, यस 270 पर वैल्यू चेंज होती है, तो 270 माइनस थीटा तो साइन किस में बदलेगा कॉस में बदलेगा, कॉस थीटा, और 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में
टेन केवल पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो इसका जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी। शायद समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अगला साइन 270 प्लस थीटा की बात की जाए तो साइन 270 होने पर चेंज होगा किस में, साइन हो जाएगा आपका कॉस थीटा में। अब देखो प्लस लिखा है, थर्ड फोर्थ में आ गया और चौथे में साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू भी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। आगे देखते हैं कुछ, ये लिखा है आपका कॉस 180 माइनस थीटा, 180, अच्छा 180 पे तो भैया चेंज नहीं होता, कोई बात नहीं, नहीं चेंज होता तो क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, देखा कॉस नहीं चेंज होगा तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा, फर्स्ट में जा रहा और सेकंड में जा रहा, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है तो उसका कॉस नेगेटिव होगा। ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस कॉस चेंज नहीं होगा तो कॉस थीटा ही रहेगा। इसके बाद ये लिखा है कॉस 180 प्लस, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा और थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसे ही टेन 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा तो टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस होने पर टेन इसमें कैसा है, नेगेटिव, तो वैल्यू भी कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी। मित्रों आगे देखिए आप, टेन 180 प्लस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा भाइयों, लेकिन टेन कॉट थीटा हो गया लेकिन टेन 180 प्लस किस्मा है, दूसरे में, तो दूसरे में टेन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे आपने ये सीखा कि किस 90 और 270 डिग्री पर वैल्यू इंटरचेंज होती हैं, इसके अलावा 180 और 360 होने पर वैल्यू इंटरचेंज नहीं होती है। तो कैसे वैल्यू इंटरचेंज होगी, इसका क्या रोल होगा, अभी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट कर देखते हैं, फिर आगे देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन में इसका यूज है, कैसे इसको इंटरचेंज करके इन क्वेश्चंस को हम करते हैं, तो एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। करते हैं दोस्तों, लिखा है साइन 90 माइनस थीटा कोसेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, व्हाट इज द वैल्यू, कैसे इसे इंटरचेंज करेंगे, क्या इसका मान होगा। चलिए लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तुरंत बता, अच्छा कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस कॉस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, सेकंड में कॉस कैसा होता है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस और कॉस में कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा, चलिए सेक थीटा एंड दैट इज सेक थीटा को हम लिख सकते हैं एक बटे आपका कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा, कॉस से कॉस कट गया, अब तुम्हारा आया कॉस थीटा, क्या बचा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे बचा आपका माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या वैल्यू होगी, माइनस के कॉट थीटा, सॉरी माइनस के कॉट थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपको, अभी हम इसको अलग टाइप से भी बताएंगे लेकिन इन टाइप से देखियो, हम केवल चेंज करने की बात करते हैं आपका, कि साइन 73 साइन 74 ये साइन 73, अच्छा इसको हम चेंज करें तो इसे हम ले सकते हैं साइन 90 माइनस 27, ठीक है, ये हो जाएगा 90 में 27 चलेगा 73 हो जाएगा, टेन डी हो जाएगा 90 माइनस और 16, चलो इसको देखते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं आप, देखो साइन 90 माइनस 27, साइन 90 माइनस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस कॉस 27, ये तुम्हारा आ जाएगा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 16, अभी आपका है कॉस 27 इंटू कॉट 16, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर 27 और कॉट स्क्वायर 16, और भी चेंज कर सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इतना ही चेंज कर सकते हैं, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। केवल हम आपको चेंज करना बता दें, इन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके वैल्यू एक होती है, उनको एक ही सेकंड में सॉल्व करेंगे लेकिन थोड़ा आगे बताएंगे उसको, पहले हम इसी क्वेश्चन को केवल इंटरचेंज करना आपको बता रहे हैं। ये लिखा है साइन 90 35 अंश, देखा 35 55, अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा हम बताएं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस
सॉरी कॉस क्यों साइन लिखा है, तो साइन 90 माइनस 55 अपॉन कॉस 55, ये हो जाएगा साइन 90 कॉस 90 माइनस 25 अपॉन साइन 25। चलो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 55 बटे कॉस 55 प्लस ये हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 25 अपॉन साइन 25, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अच्छा इसको आप हाँ जानते भी हैं कि कुछ ट्रेंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू फुट करके हम आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें भी लिख सकते हैं कैसे आपको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा बताते हैं फिर आपको आगे हम कराएंगे। ये लिखा है साइन 35, जब भी इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, जब भी इन दोनों का सम 90 डिग्री हो, एक जगह साइन हो दूसरी जगह कॉस हो, कहने का मतलब ये जोड़ने के बाद 90 आ जाए और ये साइन कॉस होता तो इनको इनकी वैल्यू होती है 1। ऐसे ही देखो इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया आपका 90 और एक साइन कॉस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2। इस तरह से भी आंसर करेंगे, लेकिन अभी एक साड़ी है जो आपको बताना बाकी है, उस साड़ी के माध्यम से इसको बताएंगे कि कब किसी भी त्रिभुज के कोणों का योगफल त्रिकोण का 180 अंश होता है और किस तरह हम चेंज करते हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की जब खास करके बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण वैसे ही 90 अंश हो जाएगा, तो दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री, और जब भी 90 डिग्री वाला होगा तो हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। लेकिन इसको देखो साइन 18 साइन 18 तो ये आपका आ जाएगा साइन 18 है, कोई दिक्कत नहीं साइन 18, और कौशिक 72 इसको हम लिख सकते हैं कौशिक 90 माइनस 37 करेंगे और सॉरी ज़्यादा हो जाएगा 27 साधन सर हाँ ठीक 28 करते हैं 8 2 10 18 18 हो जाएगा 8 2 10 7 1 8 9 हाँ ठीक है। इसको करेंगे साइन 45 और ये कोसेक 45 एक बटे साइन 45 होता है माइनस 10 72 और ये 10 थीटा सा लिखा 8 है 10 72 इसी लिखे यानी देंगे 10 70 डिग्री 72 और इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 8 ठीक है। साइन 18 एक सेकेंड के क्वेश्चन है, ये सब देखते रहो केवल इंटरचेंज करना हम बता रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस 18 कॉस कोसेक का क्या हो जाता है सेक, कोसेक का क्या हो जाता है दोस्तों सेक 18 प्लस ये हो जाएगा इसको करेंगे 1 और माइनस ये आपका हो जाएगा 10 72 डिग्री और कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा 10 72 डिग्री यानी ये तुम्हारा आया साइन 18 अंश सेक 18 अंश प्लस 1 माइनस 10 72 केवल हमने आपको इसमें इंटरचेंज करना बताया है। अब इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आएंगे कि आप हर क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को कि मुश्किल ही मुश्किल 5 सेकंड में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो था थोड़ा बेसिक, अभी आपके कुछ फार्मूले बाकी हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये कुछ वैल्यूज बाकी है, अभी हम इन वैल्यू को देखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को हम किस तरह हल करेंगे, और त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में नहीं बचेगा, यहाँ तक कि मेंस का भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और आगे बाद बाकी हम आपको बताते रहेंगे। चलिए।